हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन एकेडमी। मैं आपकी श्रीवास्तव मैम आपको पढ़ाऊंगी हिंदी। सेवेंथ क्लास की हिंदी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज से, ठीक है। जैसे कि पार्ट वन का शीर्षक क्या है, प्रार्थना। तो प्रार्थना का मतलब तो आप लोग अच्छे से समझते होंगे और आप लोग प्रार्थना करते भी होंगे कि हे भगवान मेरे को पास कर दे, हे भगवान मुझे याद नहीं हो रहा याद करवा दे। प्रार्थना मीन्स होता है प्रेयर, ये तो आप समझते होंगे। तो प्रार्थना पाठ में क्या क्या पढ़ेंगे पहले ये समझ लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे रीडिंग। माँ से विविध गुणशील की याचना। याचना मीन्स होती है प्रार्थना, विविध गुण मीन्स तरह तरह के गुणों को मांगने की प्रार्थना। फिर इसके बाद पढ़ेंगे कविता के निहित भाव को समझना। निहित मीन्स होता है इसके अंदर है क्या, कविता में क्या भाव है उसको समझेंगे। फिर है कविता का हाव भाव लय के साथ वाचन। हाव भाव मीन्स होता है कैसे पढ़ना चाहिए, किस किस लाइन में कौन सा भाव, उसको वैसे भाव से पढ़ना। और वाचन मीन्स होता है पढ़ना। फिर पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्दों का ज्ञान, ये इस पाठ में हम पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द तो जैसे पिछली क्लासों में आपने पढ़े ही होंगे। पर्यायवाची शब्द मीन्स होते हैं एक शब्द के कई अर्थ, जैसे समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये तीनों एक ही चीज़ हैं। फिर है विलोम शब्द। विलोम शब्द मीन्स होते हैं उल्टे शब्द, जैसे कि आपको मालूम है, मुझे लग रहा है आपकी फिस रीडिंग से कि आपको मालूम है विलोम शब्द मीन्स होते हैं उल्टे शब्द, विपरीतार्थी शब्द, ये होते विलोम शब्द। अब पढ़ेंगे पाठ की रीडिंग करेंगे आराम से, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना। और हिंदी की रीडिंग कंपलसरी है, सभी को आना चाहिए। जब तक आप हिंदी ठीक से पढ़ के नहीं जानोगे तब तक आपको कविता पढ़ने का मज़ा ही नहीं आएगा। कविता को टुकड़ों में नहीं पढ़ा जाता, लयबद्ध तरीके से पढ़ते हैं कविताओं को। और कविता का पढ़ने का हाव भाव भी होना चाहिए, तब कविता का मज़ा आता है। कविता बार बार बोला कविता कविता, तो कविता का मतलब होता है जो लयबद्ध तरीके से लिखे गए जो लाइन्स होती हैं उनको कविता बोलते हो, कविता को लिखने वाला कवि कहलाता है। तो प्रार्थना कविता के कवि कौन हैं, डॉक्टर जय कुमार जलज, ठीक है। जलज उनका सरनेम है, उनकी उपाधि है, जो भी कुछ उनके पीछे लिखा है वो जलज है, जय कुमार उनका नाम है। तो पढ़ेंगे तन से मन से और बुद्धि से हम सब बहुत बड़े हों। तन से मन से और बुद्धि से मतलब आप समझ गए हो, तन मीन्स होता है शरीर, मन मीन्स होता है आपका जो मन हृदय, और बुद्धि आपका दिमाग, इससे आप बड़े हों, ये प्रार्थना आप कर रहे हो। पर्वत से हों सिर ऊंचा कर सीना तान खड़े हों। जैसे पर्वत ऊंचे ऊंचे होते हैं वैसे पर्वतों की तरह ऊंचे खड़े हों। और कैसे खड़े हों, सिर ऊंचा करके और सीना तान कर। कोई कठिन काम हो भारी हम करके दिखलाएं दें, आंधी से हो मुसीबतों को बादल सब बिखरा दें। कोई सा भी कठिन काम हो वो आप कर सकें, और कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, जैसे आंधी के आने से सब कुछ बिखर जाता है, ऐसे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं उसको आंधी की तरह आप बिखरा दें, वो बादल की तरह, बादल हवा आने से बादल बिखर जाते हैं ऐसे आप उसको बिखरा दें, ठीक है। ये पैराग्राफ की हो गई हिंदी। अब इसके बाद पढ़ेंगे मुट्ठी में तकदीरें बांधें, हंसकर चलने वाले अंधेरे में किसी दिए की लौ से जलने वाले। मुट्ठी मीन्स होता है ये हाथ की मुट्ठी, मुट्ठी में क्या होती तकदीर है, हर एक इंसान के हाथों में मुट्ठी है, हाथों में तकदीरें होती हैं उसकी। तो वो कैसी होना चाहिए, अपनी तकदीर खुद बनाने वाले, जैसे मुट्ठी में हो आपकी तकदीर, हंसकर चलने वाले, किसी भी मुसीबतों में रुके नहीं, हंस हंस कर आगे बढ़ते जाएं, ये हंसकर चलने वाले हो गए। अंधेरे में किसी दिए की लौ की, लौ से जलने वाले मतलब किसी दिए की, जैसे लौ जलती, एक अंधेरा में एक छोटा सा भी यदि दिया जलता है तो उसकी लौ बहुत ज़्यादा प्रकाश देती है, रोशनी देती है, तो दिया की लौ रोशनी भी काफ़ी होती है। तो जैसे घनघोर अंधेरे में आप कितना भी अंधेरे से मीन्स मुसीबतों से, अंधेरा मीन्स काला अंधेरा, डार्क अंधेरे से मतलब नहीं है, आपकी लाइफ में कितनी भी मुसीबतें हैं उसमें एक दिए की तरह ही आप जलने वाले हों। प्यासे को देखें तो हम सब सावन सा घर आएँ, सागर में ही नहीं हथेली गगन में भर जाएँ। मतलब ये है प्यासे मीन्स होते हैं प्यासे, तो प्यास लगने वाले हो जाते हैं, पर प्यासे मीन्स इसमें बताया गया है किसी चीज़ की कमी वाले, किसी चीज़ की जो मिल नहीं सकते उनको, आपूर्ति वाले, अभाव वाले को देखें तो आप, जैसे प्यास की प्यासी धरती हो जाती है, तो सावन के बादल काले काले इस समय जैसे घिर रहे हैं आसमान में आपने देखे होंगे, ऐसे सावन की तरह घिरे आए बादल आते तो धरती ठंडी और हरी भरी हो जाती है। ऐसे ही आपकी लाइफ में आप किसी प्यासे को मतलब किसी ज़रूरतमंद को देखें तो सावन के बादलों की तरह घिरे आए, ऐसी हेल्प करने के लिए आप उसके सामने खड़े हो जाएँ। फिर सागर में ही नहीं, सागर बहुत विशाल पानी वाला समुद्र होता है, तो जैसे कि सागर में ही नहीं गागर में, मतलब गागर मीन्स होता है एक छोटा सा बर्तन, घड़ा मटका होता है पानी का, वो कहलाती गागर।
तो है ना, गागर में ही न भरें सागर को, आप इतने सक्षम और कर्मठ बने कि आप तकदीर को अपनी हथेली में ही सागर समान, तकदीर सागर समान कामों को अपनी हथेली में आप भरना है। ये इतने इस शीर्ष इतने लाइंस का आपको अर्थ ये समझ में आ गया। आप, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। फिर बन पे स्टन करेंगे, पढ़ेंगे। थके हुए के लिए हवा की तरह सदैव बहे हम। जब आप थक जाते हैं तो कितनी घबराहट होने लगती है, जैसे लगता है थोड़ी सी ठंडी हवा मिल जाती है ना, जैसे अभी उमस हो रही, गर्मी हो रही तो आपको हवा लगने लगती होगी। तो ऐसे है किसी थके हुए के लिए आप ठंडी हवा की तरह आप फिर के आ जाएं। फिर धरती से हों अपने सुख दुख को चुपचाप सहें। जैसे धरती माता के ऊपर कितने दुख सुख हैं इस समय, और इस समय क्या हो, तो हमेशा से इतिहास से आपका साक्षी, आपने देखा होगा कि इतिहास के लिए कितने कितने इस धरती पर एक से एक युद्ध हो गए, एक से एक दुष्ट लोग हुए, एक से एक बीमारियां, महामारी, जैसे अभी प्रेजेंट में ही देखिए कोरोना फैला हुआ है, बाढ़ आ रही है जगह जगहों पर, कहीं भूकंप आ रहे हैं, तो ये सब धरती माता सहन करती है ना। तो ऐसे धरती की तरह आप भी कितनी बड़ी मुसीबत हो जाए तो आप इसको हमेशा सहन कर लें। अपने सुख दुख को चुपचाप सहें हम, उठे हमारा हाथ दीन दुखियों को दुख हरने को, रहे न फुर्सत बैठे आंखों में आंसू भरने को। जब भी हम उठे, ये सारा जिस धरती माता चुपचाप सहन कर रही है, ऐसे आपको भी सारे दुख मुसीबतों को हमें चुपचाप सहन आना चाहिए। माता से आप ये, मातृभूमि से आप ये प्रार्थना कर रहे हैं। फिर इसके बाद आपने इस लाइन का अर्थ देखिए, उठे हमारा हाथ, आपका हाथ उठे तो हमेशा बुरे कामों के लिए कभी नहीं उठे आपका हाथ। ये आप लोग अभी बच्चे हो, इस चीज़ का आप प्रण ले लो कि कभी भी गलत कामों के लिए हमारा हाथ कभी नहीं उठना चाहिए। जब भी हाथ उठे तो दीन दुखियों की मदद के लिए उठे, बेसहारा लोगों को सहारा बनने के लिए उठे, ये और दुखियों के दुख हरने को उठे। ये आपके हाथ उठने का मतलब हो गया इसमें। फिर रहे ना फुर्सत बैठे आंखों में आंसू भरने को, आपको इतनी भी फुर्सत ना रहे, आप कामों में इतने व्यस्त रहें, अच्छे कामों में आप इतने व्यस्त रहें कि किसी के भी आंखों में जो बैठे हुए हैं दुख, आंसू मीन्स आंसू बहा के बैठे वाले नहीं, जो निराश हो चुके हैं, जिनके हृदयों में दुख बैठ गया है, जो हर तरफ से दुखी हैं, अभाव में जी रहे, उनके उनके जीवन में, उनकी आंखों में आंसू भरने के लिए वो कभी न बैठ रहे, सदैव निरंतर आप चलते रहो और उनकी हेल्प के लिए खड़े रहें। फिर माँ इन नन्हे हाथों को बस यह प्रसाद दो अपना, वे उस तक भी पहुँचे जिसको हम कहते हो अपना। माँ से आपके आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आप बच्चे हो तो स्वाभाविक है कि आपके हाथ नन्हे ही होंगे, नन्हे मीन्स होता है छोटे, तो नन्हे हाथों को आप माँ से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा प्रसाद दो माँ कि ये उन तक भी पहुँचे जिसको सब कहते हो अपना। मतलब ये प्रसाद आप सभी के लिए बोल रहे हैं, उन तक पहुँचे। कुछ लोग ऐसे हैं जो दुखी हैं और अच्छे अच्छे सपने देख रहे हैं पर उनके सपने कभी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए माँ ऐसा प्रसाद दो इन छोटे छोटे हाथों के लिए जो जो अपना अपना सपना कहते हैं, जिसको वो अपना सपना कह रहे हैं, उनको पूरा करने के लिए उन तक ये प्रसाद पहुँच सके या पहुँचा सकूँ, ये प्रार्थना है। तो ये प्रार्थना का मतलब आपने समझ लिया। प्रार्थना किससे हो रही है? प्रार्थना हो रही माँ से। माँ मतलब भारत माँ या अपनी मातृभूमि, ये प्रार्थना है। सब शीर्षक है कविता का, इसका आपको मैंने भावार्थ अर्थ समझा दिया है। और देखिए आप इसमें कुछ नए नए शब्द आए थे, उनके अर्थ मैंने लगे हाथ आपको समझा दिए हैं। और यदि आपको कोई कठिनाई होती है तो फिर से देखिए एक बार डबल से, इसके शब्द अर्थ हैं। पर एक बात पहले बोल दे रही हूँ, कविता को आप पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे और पढ़ना सीख जाना। पर ऐसे स्पेलिंग मात्राएँ जोड़ जोड़ के नहीं पढ़ना कहलाता है, पढ़ना ऐसे ही होता है बिल्कुल लयबद्ध तरीके से, लगातार जैसे सुर से पढ़ा जाता है ऐसे आप पढ़िए। फिर देखिए आप इसके शब्दार्थ, शब्दार्थ को मुसीबत, मुसीबत का मतलब तो आप समझते हैं, कोई नया शब्द नहीं है, इसको बता फिर भी बता देती हूँ। मुसीबत मीन्स होता है कठिनाई, जैसे समय मुसीबत चल रही ना कोरोना की, तो ये कठिनाई, बड़ा कठिन समय चल रहा है। कि देखिए अभी तक बच्चन जी को भी कोरोना हो गया, होगा कि नहीं, वो भी नहीं बच पाए इस चीज़ से। फिर संकट, संग या कठिनाई एक ही चीज़ होती। फिर भारी, भारी मीन्स होता है बहुत बड़ा, जैसे ये गंभीर, जैसे अभी फिर बोलूँगी आपसे कोरोना संकट कितना भारी है, तो ये भारी संकट हो गया। जैसे चीन का सीमा विवाद चल रहा था अभी गलवान घाटी में, तो ये भी भारी संकट था, तो संकट का भी इसी में मिल गया आपको। और मुसीबत में संकट होता, भारी का भी, देखो एक चीज से दोनों चीजों के अर्थ मिल गए आपको। फिर देखिए आप आंधी से, आंधी मीन्स होता है आंधी के समान, मतलब सघन या भयानक, ये होता आंधी के समान, जो कठिन हो, भयानक हो, सघन हो, ये सब चीज़ें भयानक, आंधी से मतलब है इसका। फिर तकदीर, तकदीर मीन्स होता है भाग्य या किस्मत। जैसे आप अभी बच्चे हो,
पढ़ लोगे तो आप अच्छी तकदीर लिखोगे, आप आपके भाग्य विधाता खुद हो अभी आप। यदि अच्छे से पढ़ोगे, समझदारी से पढ़ोगे और आप सीरियसली अपनी लाइफ को लोगे और हर कदम उठाने से पहले 10 बार सोचोगे कि ये मैं जो करने जा रहा हूँ क्या ये मैं सही कर रहा हूँ, तो आपका भाग्य आप अच्छा बना लेंगे। और इस समय खेलने कूदने में, व्यर्थ के कामों में अपना टाइम पास किया तो आपका स्वाभाविक है भाग्य बनाने कोई बात नहीं, वो तो अपने आप बन जाएगा। बस समय दिखा देगा आपको क्या लिखा आपने, क्या बना, इसलिए आपको भाग्य बनाना। आप भाग्य बताता तकदीर मीन्स होता किस्मत या भाग्य जो अपने हाथ में। दिए मीन्स होता है दीपक, ये नई चीज़ नहीं है, रोज आप देखते होंगे आपकी मम्मी वगैरह जो दिए जलाती हैं, आप दीपावली पे जो दिए खरीद के लाते घरों में जलाते वो होते हैं दिए। दिए मीन्स दीपक। फिर है आँखों में आंसू भरना। आँखों में आंसू भरने का मतलब है रोना, निराश होना। जैसे आपको कोई चीज़ नहीं मिलती हो, अभी देखिए जैसे आपको कोई चीज़ नहीं मिलती तो आप रोने लगते होंगे, या आप नहीं रोते होंगे आपके छोटे भाई बहन रोते होंगे, तो ये निराश हो जाना, रोना, इसका मतलब है आंखों में आंसू भरना। फिर है सपना। सपना मीन्स होता है स्वप्न। स्वप्न मीन्स होता है ड्रीम, है ना। जैसे आपने अभी सपने, टू टाइप के सपने होते हैं, एक तो वो जो आप सो कर देखते हो, तो वो सपने तो आए और गए, सुबह उठे गए, ये एक सपना स्वप्न ये होता है जो आप जागते हुए आंखों से देखते हैं, हम देखते हैं, आप देखते हैं। जैसे आपका सपना होगा मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ये बनूंगा, ऑफिसर बनूंगा, IAS ऑफिसर बनूंगा, IPS ऑफिसर बनूंगा, ये होते हैं सपने। इसी सपने की इसमें बात हो रही है, मतलब आपका एक टारगेट, एक कल्पित लक्ष्य, ये होता है आपका सपना। ये हो गया आपके शब्दार्थ इस पाठ के। अब इसका क्या बचता है, अब एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मीन्स इसके प्रश्न उत्तर वगैरह हैं, वस्तुनिष्ठ हैं, जो सही जोड़ी बनाओ, खाली स्थान है, तो ये आपको मैं PDF में दे दूंगी। पर आपको जब तक करना क्या है, PDF को देख के आपकी मेन कॉपी, फेयर कॉपी जो है उसको आपको कंप्लीट करना है। और करना क्या कि आपको जो कोर्स में हो रहा है, जितना भी हो रहा है, आपको उसको कवर करते जाना है, पढ़ते जाना है, लापरवाही बिल्कुल ना करें। और दूसरी मैं आपको PDF में इसको दे दूंगी, तो आप लिख लेना और मेन कॉपी कंप्लीट करना। ये आप आज का आपका आज फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब आपको क्या लगता है इसमें कोई कठिनाई आई क्या आपको? यदि आपको कोई कठिनाई आई हो तो आप कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे, है ना। मुझे लगता तो नहीं, आपको देख के मुझे लग रहा है कि इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सारा आप कवर कर जाएंगे। फिर भी यदि कोई कठिनाई होती तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई भी परेशानी होगी तो मैं हूँ ना आपके श्रीवास्तव में सब चीज़ समस्या हल करने के लिए। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और कोरोना है बाहर बिल्कुल ना निकलें, अपने आसपास साफ सफाई बना के रहें, अपने हाथों को धोकर रहें। बाय बाय।